हे गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किन इंडियन प्लेयर्स को एटीके को नेक्स्ट सीजन के लिए रिटेन करना चाहिए। तो गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे गोलकीपर्स की। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट सीजन के लिए भी एटीके रिटेन करे देवजीत माजुमदार और अरिंदम भट्टाचार्य की सर्विसेज को ही, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे गोलकीपर्स हैं। एक्सपीरियंस इनके पास अच्छा खासा है, रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, वर्क रेट शानदार है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि एटीके रिटेन करे इन्हीं दो गोलकीपर्स को। पर गाइस, खबर आ रही थी कहीं से कि केरला ब्लास्टर्स से एटीके में आ सकते हैं उनके यंग गोलकीपर धीरज सिंह प्लस अभिलाष पॉल को मिल सकता है एक प्रमोशन, जिसकी वजह से रिलीज़ किए जा सकते हैं देवजीत और अरिंदम। पर गाइस, अभी तक ये महज एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। पर मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सीजन भी एटीके के लिए खेलते हुए देवजीत और अरिंदम ही नज़र आएंगे गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में। अब गाइस, आगे बढ़ते हैं डिफेंसिव डिपार्टमेंट की ओर। तो इस डिपार्टमेंट में मैं देखना चाहूँगा आइबरलोंग खोंगजी, रिकी, प्रीतम कोटल, अंकित मुखर्जी और अर्नब मोंडल को। अब आप लोगों ने इस लिस्ट में देखा होगा कि मैंने विंग बैक्स का ज़्यादा नाम लिया और केवल एक ही सेंटर बैक को जोड़ा है। तो गाइस, उसका भी एक कारण है। अगर आप मैक्सिमम टीम का जो प्लेइंग फॉर्मेट देखिए, तो मैक्सिमम टीम्स जो है वो इंडियन विंग बैक्स को यूज़ करना पसंद करती है और एटीके भी उन्हीं टीम्स में से एक है। इसलिए मैंने विंग बैक्स के ऑप्शन ज़्यादा रखे हैं एटीके के लिए, जैसे कि आइबरलोंग खोंगजी, रिकी, प्रीतम कोटल और अंकित मुखर्जी। और रही बात अर्नब मोंडल की, तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सेंटर बैक है, हबास के साथ पहले भी खेल चुके हैं, हबास उनके स्टाइल को अच्छी तरह पहचानते हैं और वो भी हबास के स्टाइल को अच्छी तरह जानते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मोंडल के पास, फैन फेवरेट है, प्लस वो सारी खूबियाँ है जो एक अच्छे सेंटर बैक में होनी चाहिए। इसलिए एक इंडियन ऑप्शन बन जाते हैं हबास के लिए, जिन्हें वे डिफेंस में डालकर आगे अटैक में एक और फॉरेनर खिला सकते हैं। अब गाइस, मैं बात करना चाहूँगा मिडफील्डर्स की। तो सबसे पहले हम एड्रेस करेंगे यूजेंसन लिंडो को। तो गाइस, अगर यूजेंसन लिंडो एंटोनियो लोपेस हबास के प्लान्स का पार्ट है तो उन्हें अवश्य ही रिटेन किया जाना चाहिए। पर अगर वे एंटोनियो लोपेस हबास के प्लान्स का पार्ट नहीं है तो उन्हें रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस प्लेयर को बेंच पे बिठा के वेस्ट करना ये मुझे सही नहीं लगता। इसलिए अगर लिंडो हबास के प्लान्स का पार्ट है तो उन्हें रिटेन कीजिए, पर अगर नहीं है तो रिलीज़ कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं जयेश राणे की तरफ। तो विंग्स से बहुत ज़्यादा मेहनत डालते हैं, सुपर कप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लीग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं रिटेन होना। आगे बढ़ते हैं कोमल थट्टल की तरफ। यंग है, एनर्जेटिक है, स्पीड है, अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स है, बस विंग्स से अगर अपनी क्रॉसिंग पे थोड़ा सा काम कर ले कोमल थट्टल, तो नेक्स्ट सीजन एटीके के रेगुलर स्टार्टर भी बनेंगे, प्लस बहुत ज़्यादा असिस्ट्स भी करेंगे और ऑपोजिशन के डिफेंस को तंग करेंगे अपनी गति और ड्रिबलिंग स्किल्स की वजह से। आगे बढ़ते हैं प्रोनोय हल्दर की तरफ। तो गाइस, इस समय इंडिया के बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर है प्रोनोय हल्दर, उनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है इस समय डिफेंसिव मिडफील्ड में इंडिया में। इसलिए एटीके को रिटेन ही करना चाहिए प्रोनोय हल्दर को, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन एंटायर इंडिया राइट नाउ। अगले हैं हितेश शर्मा। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें नापसंद भी करते होंगे, पर मैं कहना चाहूँगा कि एक वर्सेटाइल मिडफील्डर है। ये अटैकिंग मिडफील्ड में खेल लेते हैं, ये विंग्स पे खेल लेते हैं, ये डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल लेते हैं, और इनकी जो वर्सेटैलिटी है वे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी हबास के, क्योंकि ये एक बैकअप मिडफील्डर की तरह यूज़ किए जा सकते हैं कि अगर कोई अटैकिंग मिडफील्डर इंजर है या रेस्ट पे है तो हितेश को डाल दो, कोई विंगर इंजर है या रेस्ट पे है हितेश को डाल दो। डिफेंसिव मिडफील्ड में भी ऐसा किया जा सकता है, इसलिए इनके वर्सेटाइल होने की वजह से मैं चाहूँगा कि इन्हें रिटेन किया जाए। अब मैं गाइस बात करना चाहूँगा केविन लोबो की, जिन्हें लास्ट सीजन एटीके ने लोन आउट कर दिया था चर्चिल ब्रदर्स को। तो मैं चाहूँगा इन्हें लोन से वापस बुलाया जाए और नेक्स्ट सीजन इन्हें एटीके के प्लान्स में रिक्रूट किया जाए, क्योंकि ये भी एक वर्सेटाइल मिडफील्डर है, गोल्स मार सकते हैं, गोल्स बना सकते हैं, एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, हबास के साथ पहले भी खेल चुके हैं सीज़न 1 में ISL के। इसलिए मैं चाहूँगा कि केविन लोबो को भी वापस बुलाया जाए लोन से और यूज़ किया जाए नेक्स्ट सीज़न एटीके की जर्सी में।
अब गाइस बात करते हैं स्ट्राइकर की या फॉरवर्ड की, तो मैं चाहूँगा कि एटी के नेक्स्ट सीजन के लिए रिटेन करे बलवंत सिंह को, क्योंकि इनका वर्क रेट अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, सही डिलीवरी मिले तो ये गोल्स मारते हैं जो कि इन्होंने सुपर कप में हमें दिखाया। लीग दौर में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कॉपेल ने इन्हें सही तरह से यूज़ नहीं किया, कभी इन्हें विंग्स पे डाल देते थे, कभी सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में इन्हें खड़ा कर देते थे, जिसकी वजह से ये सेट नहीं हो पाए किसी भी पोजीशन में और उस ले में नहीं दिखे। पर जब इन्हें रेगुलर बेसिस पे सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे यूज़ किया गया सुपर कप में तो इन्होंने गोल्स मारे। इसलिए मैं देखना चाहूँगा बलवंत सिंह को नेक्स्ट सीज़न एंटोनियो लोपेस हबास के अंदर खेलते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि हबास का स्टाइल सूट करेगा बलवंत को और बलवंत गोल्स मारेंगे। तो गाइस ये है वो सारे प्लेयर्स जिन्हें मैं चाहूँगा कि एटीके रिटेन करे नेक्स्ट सीजन के लिए। इनके साथ कुछ नई साइनिंग्स भी जुड़ेंगी, माइकल सुसई राज और जॉबी जस्टिन जैसी। प्लस र्यूमर्स ये कहते हैं कि माइकल रेजिन, जो कि सुसई राज के भाई है, और केरला ब्लास्टर्स से धीरज सिंह, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं एटीके को। तो ये सारे प्लेयर्स मिलके एटीके के लिए बना देते एक बहुत ही शानदार, दमदार, जानदार इंडियन कोर, जो जिसके पास सही मात्रा में एक्सपीरियंस है, गोल स्कोरिंग एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, गति है, और ये सारे बहुत ही ज़्यादा रिलायबल प्लेयर्स हैं और जो इनका वर्क रेट है वो भी शानदार है। तो नेक्स्ट सीजन के लिए एटीके ने एक बहुत ही शानदार इंडियन कोर बना दी है। और अब हम आगे देखते हैं एटीके की विदेशी साइनिंग्स की तरफ, क्योंकि विदेशी साइनिंग प्लस इंडियन कोर ही एटीके के लिए लाएंगी थर्ड ISL ट्रॉफी, यानी कि थर्ड ISL टाइटल। तो एटीके ने पहले ही तीन फॉरनर्स को रिटेन कर दिया है जिनका नाम है मैनुअल लंजरोटे, एडू गार्सिया और जॉन जॉनसन। शायद एटीके एक और प्लेयर को रिटेन करे, और अगर नहीं भी करना चाहती है तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ उससे, पर मैं चाहूँगा एटीके अच्छे विदेशी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करे जिनका वर्क रेट अच्छा हो और थोड़े से यंग हो। कोई ऐसे प्लेयर्स को मत उतारिएगा जो अपने करियर के अंत में बस अपने लास्ट 18-20 मैचेस खेलना चाहते हो। मैं चाहूँगा एटीके थोड़े यंग फॉरेन प्लेयर्स को रिक्रूट करे, क्योंकि उनमें भूख होगी परफॉर्म करने की, अपने लिए भी और टीम के लिए भी। तो गाइस यहीं पे इस वीडियो का अंत करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना कतई भी मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय, पीस आउट।